हम आ गए हैं कोई तो एक टूरिस्ट प्लेस है जो बिल्डिंग देखने में काफ़ी सही लग रही है। आई थिंक इसका नेम है बासिलिक, बट आई एम नॉट श्योर। मैं अभी मैप में देख रही थी, बट समथिंग बासिलिक समथिंग टाइप कुछ है इसका नाम। फ़िलहाल मैं थोड़ा सा आगे बढ़ के दिखाती हूँ। तो ये है ये बिल्डिंग, अंदर शायद नहीं जा सकते, सो दिस इज़ जस्ट बाहर बाहर से मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ का व्यू। जैसा कि पहले भी बोला ये मैंने अपने पुराने वीडियोस में कि आर्किटेक्चर कूल ऑसम। एंड ये देखिए, ये है हिप हॉप, सॉरी हिप हॉप व्हाट आई एम सेइंग, हॉप ऑन हॉप ऑफ बस, जहाँ पे आप जा सकते हैं, ऊपर बैठ सकते हैं। यूजली ये खुला, ये ओपन होता है राइट, यूजली ये वाला पोर्शन अभी बंद कर रखा है ठंड की वजह से, भी ये बंद हो रखा है, अदरवाइज़ ये खुला होता है जो ये ऊपर आप देख पा रहे हो, और लोग ऊपर से फिर नज़ारा लेते हैं, बट अभी ठंड में इसको बंद कर दिया गया है। अदरवाइज़ अच्छा है, ये भी आप यूज़ कर सकते हो फॉर सिटी साइड सीन, और कुछ लोगों ने यूज़ भी किया हुआ है, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड। बट मज़ा तब है जब ऊपर की छत खुली हुई हो, ना कि बंद हो। चलिए देखते हैं, अभी तो इसको तो हमने बाहर से ही देखा है, बाकी देखते हैं कुछ और कहाँ जा सकते हैं और चीज़ें देखने के लिए यहाँ पे। ओके, तो अब ये हम एक जगह, मतलब रास्ते में हमें ऐसे दिख रहा था, एक पूल सा दिख रहा है, लेकिन मैं देख पा रही हूँ अब देखिए ये बहुत बड़ा सा पूल बनाया हुआ है, लेकिन इस पूल में ना लोगों ने पैसे डाले हुए हैं, सो मे बी हो सकता है कि इसका कुछ मतलब होता हो, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि लोगों ने सिक्के डाले हुए हैं काफ़ी सारे, तो हो सकता है कि इसमें कुछ सिक्के डालने से, जैसे कहते हैं ना आपकी विश पूरी होती है, तो शायद हो सकता है वैसा सा हो। बाकी तो ऑब्वियसली अभी हम घूम ही रहे हैं, देख रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि यहाँ से हम पार्लियामेंट जाएँ, या फिर हम आप देख पा रहे होगे अगर मैं ऐसे दिखाऊँ आपको, तो ये एक व्हील है जिसे यहाँ पे हंगेरियन आई के नाम से जाना जाता है, तो या तो हम अभी उधर जाएंगे वो जो हंगेरियन आई है, या फिर हम थोड़ा सा इधर ही घूमेंगे या पार्लियामेंट जाएंगे, तो जैसा जैसा जाएंगे हम वैसा वैसा मैं आपको दिखाऊंगी। फ़िलहाल यहाँ पे कुछ वर्क भी चल रहा है, बट आप देख सकते हो कि यहाँ से इसका व्यू कैसा है। वो लोग वहाँ पर फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं अपनी, और इसके बाद हम चलते हैं कहीं और, देखते हैं कुछ अच्छा दिखता है। तो हम आ चुके हैं हंगेरियन आई, आप देख सकते हो ये है वो हंगेरियन आई जिसे व्हील बोला जाता है, जिसमें हम झूला झूलते हैं, अगर आपको याद होगा जैसे इंडिया में होता है वैसे ही ये व्हील आपको हर सिटी में, हर कंट्री की सिटी में आपको देखने को मिलेगी यूरोप में कहीं ना कहीं, बट हाँ इट्स गुड। अभी तो ये चल रहा है, आप देख सकते हो, इसका भी कुछ टिकट होगा, कुछ प्राइस होगा आई गेस, बट अच्छा व्यू आ रहा है, तो अभी बस हम थोड़ी बहुत यहाँ से फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं अच्छी अच्छी सी, और वो आपको मेरे इंस्टाग्राम में देखने को मिलेंगी अच्छी अच्छी पिक्चर्स जो भी मैं इधर क्लिक करवाऊँगी, देख लीजिए बाकी। हम आ चुके हैं व्हील के बिल्कुल पास, यहाँ पे आप देख सकते हो लोगों की क्यू लगी हुई है जाने के लिए इस क्यू में, एंड यहाँ पे लिखा है बुदापेस्ट, और ये है पूरी व्हील। और एक अच्छी सी चीज़ आपको दिखाती हूँ, वो है ये लॉक इन कीज़। आपको तो पता ही होगा, ये ज़्यादातर आपने फिल्मों में ही देखा होगा, लोग लॉक लगाते हैं, अपने नाम लिख के जाते हैं, यहाँ पे कुछ लिखा है तेफिक लव सीमा, और भी बहुत सारे होंगे, मोनिका लव नहीं लिखा है, क्या कर सकते हैं, टॉक्सिक भी लिखा है, टॉक्सिक फॉरएवर, कैन यू सी, काटा पेटी, ओ माय गॉड क्या क्या लिख के गए हैं लोग, हाँ 2002, सी ये लॉक कितना पुराना है, 2002 का लॉक है, इसमें जंग तक लग चुकी है, और भी बहुत सारे लॉक्स आपको दिखेंगे इधर, बहुत पुराने पुराने लॉक्स लगे हुए हैं, हाँ बहुत पुराने लॉक्स भी हैं एक्चुअली, पता है इसमें अभी देखिए 2002 का
छपा हुआ है, इस पर जंग लग गई है पूरा। आप देखिए ये सारे लॉक्स लगा रखे हैं लोगों ने, पर क्या रीज़न है ये नहीं पता। ऐसा कुछ है कि बंद कर दिया, लॉक लगा दिया तो ज़िंदगी भर के लिए साथ हो गए। इनमें से पता नहीं कितने होंगे जो टूट चुके होंगे, डिवोर्स हो चुके होंगे, सेपरेट हो चुके होंगे, बट ये ताले खोलने नहीं आए हैं। ताले ऐसे के ऐसे ही लगे हुए हैं। चलिए ये है तालों का सिलसिला और अब हम चलते हैं आगे रिवर की तरफ। बच हाँ, ये थोड़ा सा एरिया अच्छा है, आप देख सकते हो पार्क जैसा है। ये देखिए, चलिए अब मैं नेक्स्ट मिलती हूँ अपनी न्यू लोकेशन पे, जो कि हो सकती है रिवर, तो अब हम वहाँ जा रहे हैं। हम आ चुके हैं अब चेन ब्रिज। ये एक ब्रिज है जो बुद्धा और पेस्ट को सेपरेट करता है क्या? यस yes, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। तो बुद्धा पेस्ट के एक तरफ क्या है बताओ थोड़ा सा। वो वाला साइड बुद्धा है, हम पेस्ट साइड पे हैं। अच्छा, कनेक्टिंग ब्रिज है, बीच में कनेक्टिंग ब्रिज है। तो ये गाइस ऐसा नहीं है कि बुद्धा पेस्ट एक सिटी क्यों है, उसका नाम ऐसा इसलिए है क्योंकि एक तरफ आपको पेस्ट मिलेगा और दूसरी तरफ आपको बुद्धा मिलेगा, तो इसलिए इसका नाम रखा गया है बुद्धा पेस्ट। ये एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है जो मेरे पास थी नहीं, और मुझे रवीना ने ये इन्फॉर्मेशन दी है। अब हम देखिए कितना सुंदर है यार सच्ची में ये वाला, थोड़ा मैं जूम करके दिखाती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं, यहाँ से मैं ट्राई करती हूँ कि मैं इसको जूम करूँ आप लोगों के लिए अगर विजिबल हो तो। वो एरिया काफ़ी सुंदर लग रहा है, कैमरे में उतना अच्छा कैप्चर नहीं हो रहा हो शायद, लेकिन पास से बहुत पास से मतलब यहाँ से देखने में काफ़ी अच्छा है। ओके हम धीरे धीरे जा रहे हैं, ये है ब्रिज तो हम इस ब्रिज की तरफ जा रहे हैं। गाय बजा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? I think हमें शायद नीचे जाना हो। यहाँ से नीचे जाने, अच्छा वो वहाँ से आप रिवर के लिए जा सकते हो, तो अभी हम वहीं जा रहे हैं रिवर के लिए। आज का दिन हम ज़्यादा नहीं करेंगे बिकॉज काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो गया है सुबह कल रात से, तो हम ट्राई करेंगे कि हम थोड़ा बहुत जितना देख पाए देख लें, उसके बाद आज के दिन हम सिर्फ रेस्ट करें एंड देन दो दिन नेक्स्ट आगे के जो भी हमारे स्पॉट्स हैं कवर करने के लिए वो देखते हैं। ये देखिए एक बस स्टॉप है यहाँ पे रिवर के जस्ट बगल में, और ये हम जा रहे हैं रिवर की तरफ। ये देखिए आ चुके हैं बिल्कुल रिवर के नज़दीक। आप देख सकते हो यहाँ कुछ फेरीज हैं जो चलती हैं बुद्धा और पेस्ट की तरफ, और ये है वो नज़ारा पास से रिवर का और चेन ब्रिज का। देख सकते हो एक वहाँ से फेरी ऑलरेडी जा रही है दूसरी साइड, ये है वो ब्रिज जो हम पास से इतना देख पा रहे हैं। बाकी थोड़ी देर अब हम यहाँ पे रेस्ट करेंगे।
जैसा कि बोला मैंने कि अभी हम यहाँ पे हैं, अब हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे यहाँ पे और फिर उसके बाद देखते हैं कि यहाँ से हमें कहाँ जाना है। अभी हम यहाँ का फुल मज़ा लेने वाले हैं और साथ में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको दिखाने वाले हैं। बट हाँ, लिटरली अच्छा है काफ़ी। अभी तो कुछ ही जगह देखी है हमने और वो काफ़ी अच्छी हैं, तो आई होप कि जो भी हम आगे आगे देखें वो आपको दिखाएं और साथ में आपको भी यू नो व्यूज़ का एंजॉय कराएं। बने रहिएगा, स्टे ट्यून्ड इन दिस व्लॉग। ये आ गए हम यहाँ के पार्लियामेंट, आप देख सकते हो ये है यहाँ का पार्लियामेंट, जो आगे से ये इसका एक्चुअली बैक साइड है, बट आगे से कहते हैं कि यूरोप में ऐसा बोला गया है कि हंगरी का बुदापेस्ट का जो पार्लियामेंट है वो बहुत बड़ा है, तो आई थिंक ये इसका बैक है और उधर से पूरा जो आप देख पा रहे हैं वो पूरा उसका फ्रंट साइड है। तो मैं अभी आपको आगे का इसका फ्रंट साइड दिखाती हूँ, इवन तो हमने फ़ोटोज़ यहीं पे क्लिक कराई हैं, बट एक बार मैं आपको आगे से इसका दिखाती हूँ कि कहाँ से एक्चुअल में ये पूरा जो एरिया है ये पूरा पार्लियामेंट बोला जाता है यहाँ का, जो कि काफ़ी फेमस है। ऑब्वियसली पार्लियामेंट है तो फेमस तो हो गई। एंड ये दोनों यहाँ पे खड़े हुए हैं। अभी हम जा रहे हैं फिर से इनके होटल, इनको चेंज करना है, तो हम फिर जब ये लोग चेंज कर लेंगे फिर उसके बाद हम दोबारा निकलेंगे घूमने के लिए थोड़ा रेस्ट करके। बाकी ये आई थिंक इसका मेन एंट्रेंस यही है क्या, राज मेन एंट्रेंस, दूसरा मेन एंट्रेंस है। राज, सो ये है, आई थिंक ये भी कोई फ्रंट व्यू नहीं है, ये भी फ्रंट से नहीं है पार्लियामेंट का, सो आई एम नॉट श्योर कहाँ से इसका एरिया है, बट ये पूरा आई गेस पार्लियामेंट के अंडर ही आता है जितना भी है ये यहाँ पे कवर किया गया है। रवीना जी आप बहुत कम बोलती हैं, बताइए आप अपने बारे में कि अभी तक आपको कैसा लग रहा है, अभी देखा ही क्या है, हवा चल रही है यार, बहुत हवा चल रही है, हो जाएगी तो मज़ा आएगा। अच्छा हाँ, आज बहुत हवा है और कल वेदर भी ख़राब है, तो लेट्स सी कैसा जाता है। चलो आगे इनके होटल में चेक इन करके फिर मिलते हैं। गाइज मैंने होटल में चेक इन कर लिया है, जैसा कि आप देख सकते हो ये मेरा हॉस्टल है और ये है मेरा रूम। मैं आपको दिखाती हूँ हॉस्टल का रूम कैसा होता है, आइए आप मेरे साथ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था इस बार मैंने हॉस्टल बुक किया है ना कि होटल, तो ये ऐसे है, 4 बंक बेड्स हैं आप देख सकते हो, ये हैं वो 4 बंक बेड्स, नीचे वाला मैंने ले रखा है अपने लिए। एंड ये है काफ़ी स्पेशियस है, ऐसा नहीं है स्पेशियस नहीं है, आप देख सकते हो काफ़ी स्पेशियस है, और यहाँ पे 4 बेड है तो 4 ये आपको लॉकर दे रखे हैं इन्होंने, और साथ में ये एक कॉमन वॉशरूम है फॉर 4 पीपल। सो ये है वो कॉमन वॉशरूम जहाँ आप यूज़ कर सकते हैं वॉशरूम को, बट ठीक है, मतलब मेरे को इतना बुरा नहीं लगा, मेरे को ठीक लगा, स्पेशियस लगा। तो ये एंट्री है, मैं अभी आपको बाहर जाके बाहर का व्यू भी दिखाती हूँ, बट ये मेरे रूम के अंदर की एंट्री है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। चलिए मिलती हूँ आपसे नीचे, आपको बाहर से दिखाती हूँ कि मेरा होटल कैसा है, ये होटल नहीं सॉरी हॉस्टल। चलिए अब नीचे मिलते हैं। ये है लिफ्ट्स जहाँ से मैं आई थी, और ये सारी स्टेयरकेस हैं हॉस्टल की, वो एंट्री गेट है, 3rd फ्लोर है जहाँ से मैं अंदर गई थी अपने रूम के लिए, और अब मैं लिफ्ट से जा रही हूँ नीचे। लेट्स सी कोई आती है कि नहीं आती है, चल भी रही है कि नहीं चल रही है, नंबर नहीं आ रहे हैं। काफ़ी बड़ा एक्चुअली ये हॉस्टल है, एंड मैंने फीमेल ओनली डोम हॉस्टल लिया है, और जिसमें सारी लड़कियां ही होंगी, मिक्स डोम भी हैं वैसे यहाँ पे, लेकिन मैंने प्रेफर किया है फीमेल ओनली डोम। ओके, मेरी लिफ्ट आ चुकी है, अब आई एम गोइंग डाउन स्टेयर्स। ओके, लेट्स गो टू 0 1
इंटरनेट लगेज रूम, ओके, सो वी हैव टू गो ऑन 0th फ्लोर. ओके, तो ये एंट्री है यहाँ से इस हॉस्टल की, एंड ये यहाँ का लगेज रूम है, और यहाँ पे ये सिटिंग एरिया है विद सम, यू नो, विद सम गेम्स लाइक पूल एंड ऑल. और ये यहाँ पे ब्रेकफास्ट एरिया है जहाँ पे आई थिंक वी कैन ऑल्सो कुक समथिंग अगर हमें कुक करना है तो, आप देख सकते हो. तो ये यहाँ का कुछ ब्रेकफास्ट एरिया है, वो किचन है, एंड यहाँ पे ये पूरा सिटिंग एरिया है फॉर एवरीवन. ये है वो. चलिए अब बाकी यहाँ से निकलते हैं, और अब जा रहे हैं हम कुछ खाने, बहुत लेट हो गया है ऑलरेडी, फिर हमारी क्रूज़ है 7 o'clock की, तो फिर हम आपसे उसके बाद मिलते हैं. अब हम आ चुके हैं इंडियन रेस्टोरेंट, और ये हंसता है जैसी मैं व्लॉग बनाती हूँ अपना. हम जो कि हमारा लंच का भी टाइम नहीं, डिनर का भी टाइम नहीं, हम पता नहीं कौन से टाइम पे आए हैं, मेरा कुछ बीच का चल रहा है, 6 बज रहे हैं और हम खाने आए हैं अभी फ़िलहाल के लिए. और ये है वो इंडियन रेस्टोरेंट, इसका नाम है इंडियन पैलेट, और अभी हम सोच ही रहे हैं कि हमें क्या ऑर्डर करना है, तो हम अपने मेन्यू देख रहे हैं. क्विंटेसेंशियल इंडियन डिलीशियस. राइट, ठीक है, हम डिसाइड करते हैं. आज वैसे बहुत टायर्ड है, तो शायद आवाज़ भी उतनी अच्छे से ना निकले. क्यों, तुम्हारी तो नींद पूरी हो गई. उसके बाद क्या बोलता है वो, मुझे तो ये भूल गई मैं. हाय लो सर, तो आएगा कुछ उल्टा करना पड़ेगा ना. अरे गाइज, अब हम अपने खाने का वेट करते हैं, ऑर्डर करते हैं और फिर कुछ खाते हैं. ओके गाइज, हमने अपना नॉट लंच नॉट डिनर समथिंग वी हैड, भूख लग रही थी तो. और अभी हम जा रहे हैं क्रूज़ के लिए, देख रहे हैं अगर हमें क्रूज़ मिल जाता है 7 o'clock का. तो आप देख सकते हो ये लाइट्स के साथ कितना सुंदर दिख रहा है, और बस अभी हमें जाना है उधर क्रूज़ के लिए देखने कि अवेलेबल है कि नहीं है. बाकी एक बार मैं आपको यहाँ से ऐसे ही दिखा देती हूँ. ये देखिए, रात में उतना क्लियर तो नहीं होता, और जितना क्लियर है मैं उतना आपको दिखा रही हूँ. चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट, लेट हो जाएगा 7 o'clock, 15 मिनट में हमारी क्रूज़ है. हम क्रूज़ तो नहीं जा पाए गाइस, क्योंकि सब बुक हो चुका था, हम थोड़े लेट हो गए, तो अब हम वॉक पे निकले हैं. ये है पार्लियामेंट बिल्डिंग जो आप देख सकते हो, जो मैं आपको दिखा रही हूँ. ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है एक्चुअली, बहुत फैली हुई है. जैसे मैंने आपको दिन में दिखाया था, हमने उसका बैक साइड देखा था. अब हम थोड़ा सा आगे से इसका व्यू लेने जा रहे हैं कि आगे से ये कैसा दिखता है, वो मैं आपको दिखाती हूँ. ओके गाइस, अब हम लोग आ चुके हैं मेरे होटल के सामने, हॉस्टल के सामने. एक्चुअली एक एरिया था ये, एक गेमिंग एरिया है, तो हमने सोचा लेट्स प्ले सम गेम्स ओवर हियर. और ये है प्राइस, एक चांस आपका, 1 token इज 1 chance, एंड द प्राइस इज दिस, एंड देयर आर लॉट ऑफ गेम्स दैट यू कैन प्ले. और वहाँ पे आपका बैठने का है, आपको कुछ पीना खाना है तो आप वहाँ जाके कर सकते हैं. और बाकी बहुत सारे गेमिंग जोन्स हैं इधर विद सम बियर वाइन विस्की, आप देख सकते हो ऐसे बहुत सारे गेम्स यहाँ पे लगा रखे हैं इन्होंने. बस अब हम आज, हमारा प्लान यही तक था, काफ़ी इधर उधर घूमा हमने और कुछ कुछ चीज़ें बहुत मिस हो गई. अब हम कल काफ़ी कुछ कवर करने वाले हैं, बिकॉज आज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया था, तो इस चक्कर में सब कुछ कवर नहीं कर पाए हैं. तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हो बस ये लास्ट है, यहाँ थोड़ा सा खेल के फिर हम अपने अपने रूम पर जाएंगे, एंड देन कल नेक्स्ट व्लॉग में आपको बाकी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि हम अब कहाँ जाते हैं बुदापेस्ट में कल. थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो. आई नो बहुत टाइम बाद बना रही हूँ, लेकिन आप लोगों को अच्छा लगेगा, आगे के ब्लॉग ज़रूर देखिएगा.
थैंक यू सो मच, बाय बाय।